नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल 10 फीट अनरॉक सर में एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर पुराने हैं तो देखते रहिए। देखिए, हम लोग जो है हाइट एंड डिस्टेंस में कल तक जो है 6 सवाल डिस्कस कर चुके थे, और अगर आप पुराना वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन, वीडियो जो है जहाँ चल रही है वहीं कोने में जब देखेंगे तो वहाँ आई की तरह बना हुआ है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से जा करके आप पुराना वीडियो देख सकते हैं। तो हम लोग जो है हाइट एंड डिस्टेंस में आज अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब कि हमको दो चीज दिया गया है, एक भवन दिया गया है और भवन के ऊपर एक संचार मीनार लगी है। संचार मीनार का मतलब होता है टावर जिसको बोलते हैं। देखिए, कब शहर में घर के ऊपर टावर लगते हैं तो वही संचार मीनार है। तो चलिए, एक मकान है तो ये ए बी एक मकान है और मकान के ऊपर एक संचार मीनार लगी हुई है, और हम संचार मीनार को मान लेते हैं कि एक संचार मीनार लगी हुई है जो कि हम सी मान ले रहे हैं इसको। और क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, क्वेश्चन स्टार्टिंग से देखिए, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, अर्थात जो भवन है हमारा, भवन की जो ऊंचाई है वो कितनी है 20 मीटर, ऊंचे भवन पर लगी एक संचार मीनार, एक संचार मीनार लगी हुई है कि तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश और 60 अंश है। मतलब भूमि पर एक कोई बिंदु है और इस बिंदु से जो संचार है इसका शिखर और इसका तल, तो संचार का तल कहां पे है, संचार का निचला हिस्सा जो है वही तल कहलाएगा संचार का, तो ये चीज है। तो कह रहा है कि संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश और 60 अंश है। इसका मतलब कि संचार मीनार का जो तल हम देखते हैं तो तल का उन्नयन कोण 45 अंश होता है, और जबकि जब शिखर देखते हैं तो शिखर का उन्नयन कोण कितना होता है 60 अंश होता है। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है, इसको हम मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, h है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं इसको बिंदु मान लेते हैं, क्या b मान लेते हैं, तो त्रिभुज ए बी डी में, अगर हम त्रिभुज ए बी डी ले तो देखिए tan थीटा बराबर ए बी बटे बी डी, यानी कि ए बी क्या है हमारा लंब है और बटे बी डी क्या है आधार है, तो चूंकि हमको पता है कि लंब बटे आधार बराबर क्या होता है tan थीटा, अगर ये नहीं समझ में आया कि कैसे ये इतना हो गया तो आप पहला वीडियो जरूर देखें, पहला और दूसरा देखें उसके बाद इसको देखें। तो देखिए थीटा का मान क्या है, हम कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, हम ले रहे हैं त्रिभुज ए बी डी ले रहे हैं, अर्थात ए बी डी, इसका मतलब कि ये वाला कोण लिया जाएगा, ये हो जाएगा tan 45 अंश, थीटा का मान कितना है 45 अंश बराबर लंब, लंब कितना है ए बी का मान हमको दिए हैं 20 और बटे बी डी, बी डी का मान नहीं दिए हैं तो बी डी ऐसे लिख लीजिए। अब चूंकि हमको पता है कि tan 45 अंश का मान होता है 1, तो 1 बराबर 20 बटे बी डी, तिरछा गुणा हो जाएगा, यानी कि बी डी इकन्नम बी डी, जान लीजिए बटे 1 है, इसका इसका गुणा करेंगे तो 20 इकन्नम 20 मीटर, इसका मतलब ये हुआ कि बी डी का मान हमारा आ गया कितना 20 मीटर आ गया। फिर आगे चलिए, त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज सी बी डी में, तो जब बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे तो देखिए हमको क्या दिया गया है, सी बी बटे बी डी, सी बी बटे बी डी। अब ये सी बी क्या चीज है बताइए, ये हमारा कोण है और कोण के सामने वाली भुजा लंब भुजा कहलाती है, और बटे ये हमारा आधार है, तो लंब बटे आधार, अर्थात हमको पता है लाल बटे कक्कर, यहां से लंब बटे आधार बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा, यानी कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, और थीटा का मान हमको कितना दिए हैं 60 अंश दिए हैं, यानी कि tan 60 अंश बराबर लंब, यानी कि CB, CB का मान कितना है यहां से लेकर के यहां तक, तो इतना हमारा 20 है और इतना हमारा h है,
इसका मान हो जाएगा 20 और प्लस एच बटे आधार, आधार हमारा क्या है BD, और BD का मान ये देखिए निकाले हैं 20, तो BD की जगह पे रख देंगे क्या 20। tan 60 है, tan 60 हर्ष का मान होता है अंडर रूट 3 बराबर 20 प्लस एच बटे 20। तो यहां से जान लीजिए बटे 1 है, इसका इसका गुणा करेंगे तो 20 प्लस एच बराबर इसका गुणा करेंगे तो 20 अंडर रूट 3। तो एच बराबर, अब देखिए 20 अंडर रूट 3 और ये प्लस 20 जब उधर जाएगा तो माइनस 20 हो जाएगा, या फिर एच बराबर 20 इसमें कॉमन ले लीजिए अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर, यही आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक, कहीं अगर दिक्कत हो तो एक बार वीडियो बैक करके देखिए, और हाँ वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और कमेंट किया कीजिए, बताया कीजिए कि कहाँ दिक्कत है, कहीं समस्या हुआ कीजिए, पूछा कीजिए। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर मूर्ति लगी है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु के पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। समझिएगा, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक मूर्ति लगी हुई है, मतलब क्या हुआ कि जैसे अभी तक भवन के ऊपर एक मीनार संचार लगा था, नेटवर्क लगा था, उसी तरह आपकी क्या लगा हुआ है, एक पेडेस्टल है और पेडेस्टल के ऊपर मूर्ति है। तो मान लीजिए कि ये एक पेडेस्टल है ए बी, ए बी एक पेडेस्टल है और इसी के ऊपर एक मूर्ति लगी हुई है, इसी के ऊपर एक क्या लगी है मूर्ति लगी है। तो मान लीजिए कि हम सी मान लेते हैं कि ए सी हमारी क्या है, ए सी हमारी मूर्ति है और ए बी हमारा पेडेस्टल है। कह रहा है कि पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर की मूर्ति लगी है, अर्थात मूर्ति की जो लंबाई है वो कितनी है 1.6 मीटर, अर्थात मूर्ति की जो लंबाई है वो 1.6 मीटर है। फिर कह रहा है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। चलिए भूमि पर कोई बिंदु हमने लेते हैं और बिंदु से जब इसको देखते हैं, इसका जो मूर्ति है, मूर्ति का शिखर तो सी है ना, शिखर मतलब चोटी, तो शिखर सी है, तो जब यहां से सी को देखते हैं तो 60 अंश का कोण बनता है। ठीक, तो चलिए 60 अंश का कोण बनता है। उसके बाद क्या कह रहा है कि उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। भाई पेडेस्टल हमारा ए बी है और पेडेस्टल का जो शिखर है वो बिंदु ए है, तो पेडेस्टल का उन्नयन कोण जो है वो कितना है 45 अंश है, अर्थात ये मान हमको कितना दिए हैं 45 अंश दिए हैं। ठीक, तो ये चीज है, ये हमको 45 अंश दिया गया है और वो हमको 60 अंश दिया गया है। कह रहा है कि पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, अर्थात हमको ए बी का मान निकालना है, ये बिंदु हम क्या मान ले ए बी सी, इसको डी मान लीजिए। तो चलिए हल करते हैं इसको। तो देखिए सबसे पहले हम छोटा त्रिभुज लेंगे ए बी सी, यानी त्रिभुज ए बी सी में, तो हमारा क्या हो जाएगा ए बी बटे बी डी, अर्थात ए बी बटे बी डी क्या चीज है, ए बी है हमारा लंब और बटे बी डी हमारा है आधार। तो ऐसा कोई सूत्र बताइए जो लंब बटे आधार होता है, अर्थात टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो टैन, छोटे त्रिभुज में जो थीटा का मान है वो 45 अंश है, तो टैन 45 अंश बराबर लंब है हमारा एच और बटे आधार है हमारा बी डी। तो टैन 45 अंश का मान 1 बराबर एच बटे बी डी, तो यहां से जान लीजिए बटे 1 है, इसका इसका गुणा कर देंगे इसका इसका, तो बी डी इकन्नम बी डी बराबर एच इकन्नम एच मीटर। चलिए आगे देखते हैं, अब हम लेते हैं बड़ा त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज हमारा कौन है सी बी डी, तो त्रिभुज सी बी डी में, तो जब सी बी डी लेंगे तो इसमें क्या कह रहा है सी बी बटे बी डी, तो सी बी क्या है हमारा लंब और बी डी क्या है आधार। तो जो कि हमको पता है कि लंब बटे आधार किसका सूत्र है टैन का, यानी कि टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, और थीटा का मान इसके लिए देखिए कितना है 60 अंश है, तो टैन 60 अंश बराबर लंब
लंब हमारा कितना हो जाएगा यहां से लेकर के यहां तक, अर्थात इतना प्लस इतना, यानी कि h प्लस 1.6, h प्लस 1.6 बटे BD, BD का मान यहां से निकाले हैं कितना आया है h, तो tan 60 अंश का मान होता है अंडर रूट 3, तो h प्लस 1.6 अपॉन h, तो जान लीजिए बटे 1 है, इसका इसका गुणा कर देंगे, h प्लस 1.6 बराबर इसका इसका गुणा कर देंगे तो अंडर रूट 3 h, या फिर इस h को उधर लेके चले जाइए तो 1.6 बराबर अंडर रूट 3 h माइनस h, यहां से 1.6 बराबर इसमें h अगर कॉमन ले लें तो अंडर रूट 3 माइनस 1, या फिर यहां से h का मान निकालेंगे तो 1.6 और ये इधर आएगा तो बटे अंडर रूट 3 माइनस 1, इतना मीटर, यही आ जाएगा हमारा आंसर। और अगर ये नहीं आ रहा है तो इसके हर का परिमेयीकरण कर देंगे, ठीक, हर का परिमेयीकरण कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1.6 रूट 3 प्लस 1 अपान रूट 3 माइनस 1 और रूट 3 प्लस 1। परिमेयीकरण का मतलब ये है कि अगर कोई संख्या रूट में दी गई रहती है तो उसी के उल्टे से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, चूंकि रूट 3 माइनस 1 था तो रूट 3 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, अगर यहाँ रूट 3 प्लस 1 होता तो रूट 3 माइनस 1 से ऊपर नीचे गुणा कर देते। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा h बराबर 1.6 रूट 3 प्लस 1 बटे, अगर कोई चीज एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, अगर कोई a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब जो चीज प्लस में है वही चीज माइनस में है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग, तो जो पहले का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट 3 का वर्ग, कोई संख्या अगर अंडर रूट में की है उसका वर्ग करते हैं तो अंडर रूट गायब हो जाता है, अर्थात 3 और माइनस 1, तो यह बराबर आ जाएगा 1.6 रूट 3 माइनस प्लस 1 अपॉन 2, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 और 2 8 16, यानी कि 0.8 रूट 3 प्लस 1 मीटर, यही आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक। तो अगर ना समझ में आया हो तो एक बार वीडियो बैक कीजिए, बैक करके फिर से देखिए, ठीक। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, तो यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, जिसमें दो चीजें, एक मीनार है और एक भवन है, तो चलिए हम एक मीनार बनाते हैं और एक भवन बनाते हैं, तो चूंकि भवन जो होगा हमारा, भवन हमारा छोटा होगा और जो मीनार होगी हमारी, मीनार हमारी बड़ी होगी, अर्थात ये हमारी मीनार है और ये हमारा भवन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, अर्थात ये हमको दिया गया है, इसका मान हमको दिए हैं 30 अंश। फिर वही कह रहा है कि भवन के पाद बिंदु से, पाद बिंदु मतलब नीचे वाले स्थान से, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, अर्थात इसका मान हमको दिए हैं कितना 60 अंश। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो भवन की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं, चाहे छोटा त्रिभुज लीजिए चाहे बड़ा त्रिभुज लीजिए, तो चलिए हम छोटा त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी में, तो ए बी सी अगर हम लेंगे तो ए बी बटे बी सी हमारा क्या हो जाएगा बताइए, लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार बराबर क्या होता है टैन थीटा, तो थीटा का मान कितना है 30 अंश, तो टैन 30 अंश बराबर ए बी, ए बी कितना है एच, और बटे आधार यानी कि बी सी है तो बी सी, टैन 30 अंश का मान कितना होता है 1/√3 बराबर एच बटे बी सी, तो यहां से जब गुणा करेंगे तो बी सी का नम बी सी
बराबर इसका इसका गुणा करेंगे तो रूट थ्री एच। अब चलिए आगे देखिए, बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे तो त्रिभुज पी क्यू बी में, तो जब बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे तो पी क्यू बी में, तो पी क्यू बटे बी क्यू, पी क्यू बटे बी क्यू। देखिए यहां पे सी नहीं है, ये क्यू लिखा हुआ है, इसको आप क्यू बना लीजिएगा, ठीक। यहां पे क्यू लिखा हुआ है, बी सी नहीं लिखा है, तो ये चीज है पी क्यू बटे बी क्यू। ये बराबर क्या है हमारा, पी क्यू क्या है लंब है, बी क्यू क्या है आधार है, तो लंब बटे आधार यानी कि टैन थीटा। थीटा का मान कितना है इसके लिए, 60 अंश है, यानी कि टैन 60 अंश बराबर पी क्यू, पी क्यू का मान हमको दिए हैं 50 बटे बी क्यू, बी क्यू का मान हमको दिए हैं रूट थ्री एच। तो टैन 60 अंश का मान होता है रूट थ्री बराबर 50 बटे अंडर रूट थ्री एच, जान लीजिए बटे एक है, इसका इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा थ्री एच। भाई रूट में अगर कोई संख्या है रूट से ही गुणा कर रहे हैं उसी संख्या से, तो रूट हमारा हट जाता है, थ्री एच बराबर 50, तो एच बराबर 50 बटे 3 मीटर। अगर ये आ रहा है आंसर तो सही है, अगर कोई और आ रहा है 3 × 3 = 5, 3 × 9 = 18, 2 = 20, फिर 9 मीटर। तो चाहे ये आंसर आए चाहे ये आंसर आए दोनों जो है वही होगा। तो कहीं दिक्कत हो तो बताइएगा कमेंट करके, देख लीजिए, अगर ना समझ में आया हो तो बैक करके फिर से एक बार देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे हैं। मतलब एक सड़क है, एक सड़क है, सड़क के एक तरफ एक खंभा है, सड़क के दूसरी तरफ एक खंभा है, और दोनों खंभों की जो है ऊंचाई समान है, ठीक। फिर आगे देखिए, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण, दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, भाई दोनों खंभे के बीच में कोई एक बिंदु है, यहीं पे दोनों खंभे के एकदम बीच में कोई एक बिंदु है, यहां से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश है। मतलब एक का उन्नयन कोण 60 अंश है और दूसरे का उन्नयन कोण 30 अंश है, ठीक। तो ए बी सी और इसको मान लीजिए पी क्यू, ठीक। ये चीज है, हमको निकालना क्या है, कह रहा है खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है और बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। चलिए हमको दिया क्या है, कह रहा है 80 मीटर चौड़ी एक सड़क, तो अर्थात जो सड़क है सड़क की चौड़ाई कितनी दी गई है 80 मीटर। अगर हम इसमें किसी एक मान को हम अगर यक्स मान लें तो दूसरा मान हमारा क्या हो जाएगा बताइए, पूरा 80 है तो ये हो जाएगा हमारा 80 - यक्स, ठीक। तो ये चीज है, और अगर हम इसको यच मानेंगे तो ये भी हमारा यच हो जाएगा, क्योंकि दोनों मान क्या है बराबर है। तो चलिए आगे देखते हैं, सबसे पहले हम एक त्रिभुज ले लेंगे कोई भी, त्रिभुज पी क्यू सी, त्रिभुज पी क्यू सी में, तो चलिए पी क्यू बटे सी क्यू, ये हमारा क्या है, पी क्यू है हमारा लंब, सी क्यू है हमारा आधार, तो लंब बटे आधार यानी कि टैन थीटा बराबर इतना हो गया। थीटा का मान दिए हैं 30 अंश, तो टैन 30 अंश बराबर एच बटे यस, और टैन 30 अंश का मान होता है 1/√3, ये बराबर हो जाएगा एच अपॉन यस, या फिर यहां से हम यक्स का मान निकालें तो √3 यच हो जाएगा, ठीक। फिर आगे देखिए लिखा है कि लिखा है आगे दूसरा त्रिभुज लेंगे तो त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी अगर हम लेते हैं तो ए बी बटे बी सी, यानी कि ए बी है हमारा लंब, बी सी है हमारा आधार, लंब बटे आधार यानी कि टैन थीटा, और थीटा का मान 60 अंश है तो टैन 60 अंश बराबर ए बी, ए बी का मान कितना है यच, बटे बी सी, बी सी का मान कितना है 80 - यच, तो टैन 60 अंश का मान होता है √3 बराबर यच अपान
80 माइनस यच। यहां से देखिए हम अगर हम यहां से यच का मान निकालते तो यच का मान हमारा क्या हो जाता, यच बराबर हो जाता है यच अपान रूट थ्री। ठीक, तो यही यच की जगह पे हम क्या लिख देंगे, यच अपान रूट थ्री। अब जान लीजिए बटे एक है, इसका इसका गुणा कर देंगे इसका 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 गुणा करेंगे तो 80 माइनस यक्स रूट थ्री इंटू रूट थ्री करेंगे थ्री हो जाएगा बराबर यक्स, या फिर तीन से गुणा कर देंगे तीन 24 240 माइनस थ्री यक्स बराबर यक्स, थ्री यक्स को इधर लेके जाएंगे तो 240 बराबर यक्स प्लस थ्री यक्स, उसके बाद थ्री है फोर यक्स बराबर 240, तो यक्स बराबर 4×6=24 जीरो, यानी कि यक्स का मान आ गया हमारा 60 मीटर। तो यक्स का मान क्या हो जाएगा, क्योंकि यक्स बराबर लिखा हुआ है यक्स अपान रूट थ्री, तो यक्स बराबर 60 बटे रूट थ्री। हमने कहा कि अगर नीचे रूट मिल जाए आपको तो उसी के उसे ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, यानी कि रूट थ्री अपान रूट थ्री, ये हो जाएगा यक्स बराबर 60 अंडर रूट थ्री बटे थ्री, तो यक्स बराबर 3×6 यानी कि 20√3 मीटर, यही आ जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। उसके बाद अगर आप लाइव पढ़ना चाहेंगे तो आपको लाइव पढ़ाया जाएगा, आप फेस टू फेस होंगे हमारे साथ।